वेलकम टू हिंदी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। मिताली के परिवार वाले बड़े ही चिंतित थे, क्योंकि मिताली की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मिताली मंगली थी और उसके लिए कहीं से भी मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा था। आता पूरे परिवार वालों ने निश्चय किया कि मिताली का विवाह पीपल के पेड़ से करवा देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जिस किसी के ऊपर मांगलिक दोष होता है तो उसका विवाह सबसे पहले पीपल से करा देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इसमें पीपल के पेड़ से फेरे दिलाने होते हैं। इसीलिए मिताली के परिवार वालों ने मिताली का विवाह सबसे पहले पीपल के पेड़ से करवा दिया। अब मिताली का परिवार पूरी तरह से खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिताली के ऊपर से मांगलिक दोष खत्म हो चुका है और अब हम अपने मिताली की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ किसी भी लड़के से करवा सकते हैं। इस तरह से सोचते हुए मिताली के लिए एक रिश्ता आया और उसके साथ मिताली का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। अब मिताली पूरी तरह से खुश थी, क्योंकि उसे अपना जीवन साथी मिल चुका था और इस तरह से मिताली की विदाई कराने का समय आ जाता है। सभी की आंखें नम है, लेकिन दिल में एक खुशी है। मिताली की शादी इतने दिनों से रुकी हुई थी जो कि हो चुकी है। जब गृह प्रवेश का समय आता है तब मिताली अपने पति सचिन के साथ घर प्रवेश करती है। जैसे ही मिताली अंदर जाती है तब उसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, परंतु यह व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह एक साया है। मिताली अपने नए घर में है, बहुत खुशी से रहती है, लेकिन एक दिन अचानक किचन में काम करते समय उसे आभास होता है कि मेरे साथ कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि किचन में जब मिताली काम कर रही थी तब उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। यह सब महसूस करते हुए मिताली बहुत डर जाती है। यह बात वह अपने पति से कहती है, तब पति उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कह देता है कि यह तुम्हारा कोई भ्रम होगा। वह अपनी सास को भी बताती है तो सास भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। ऐसा करते हुए उसे एक हफ्ता बीत जाता है और इन्हीं एक हफ्तों के बीच में उसे कई बार ऐसा आभास होता है कि मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे हर काम में बाधा उत्पन्न करता है। एक रात मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई लेटा है। इस वजह से करवट लेकर देखने की कोशिश करती है कि उसे अचानक से किसी व्यक्ति का डरावना सा चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत चौंक जाती है और उसके मुंह से चीखने की जोरदार आवाज निकल जाती है। उसका पति सचिन बगल में लेटा हुआ था। वह एकदम से जग जाता है और अपने पत्नी की तरफ सांत्वना भरा हाथ बढ़ाता है और उससे पूछता है कि मिताली तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे डर क्यों रही हो। मिताली अपने पति को बताती है कि मेरे बगल में एक व्यक्ति आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया जिसका चेहरा बहुत डरावना था। इस बार भी उसका पति इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी को शायद कोई सपना आया होगा जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। वह उससे कहता है
कि शायद यह तुम्हारा सपना होगा जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे डर लग रहा है। अब मिताली को भी यकीन हो गया कि शायद मेरा पति सही कह रहा है, हो सकता है कि मुझे कोई सपना आया हो। ऐसा सोचते हुए वह दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद करती है, लेकिन इस बार जो होता है वह सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता है। तकरीबन रात के 1:30 बजे होंगे कि वह साया मिताली के शरीर में घुस जाता है और मिताली को ऊपर से नीचे पूरा हिला देता है। मिताली हवा में लटक जाती है। वह अपने पति सचिन को आवाज तो लगाती है, लेकिन उसकी आवाज को वह भूत दबा देता है। लेकिन मिताली जोर लगाकर अपने पति सचिन का नाम लेती है। इतने में ही सचिन जग जाता है और वह ऊपर देखता है तो उसकी पत्नी हवा में लटकी हुई थी और वह मुझे जोर जोर से आवाज लगा रही थी, आप ऊपर चलो और मेरे साथ देखो कि क्या हो रहा है। जब उसकी माँ बाप उसके कमरे में देखते हैं, तो मिताली को ऐसा लटका हुआ देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं। मिताली चिल्लाती है कि माँ मुझे बचा लो, यह रूहानी ताकत मेरे अंदर घुस गई है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, यह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। उसकी सासू माँ को कुछ पता नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए। वह मंदिर से जल्दबाजी में गंगाजल ले आती है और अपनी बहू मिताली पर छिड़क देती है। जैसे ही गंगाजल मिताली के ऊपर गिरता है, रूहानी ताकत उसे छोड़कर चली जाती है और मिताली नीचे बेड पर गिर जाती है। ऐसा देखकर उसकी सास ससुर दोनों डर जाते हैं और मिताली के घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की के ऊपर कभी कोई बुरा साया था क्या। मिताली के माँ बाप बताते हैं कि शादी से पहले इसके ऊपर भूत का कोई साया नहीं दिखाई देता था। पता नहीं इस वक्त मेरी मिताली के ऊपर ऐसा क्या हो गया। उसकी ऐसी हालत देखते हुए मिताली को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया जाता है। मिताली के लिए मायके में शुरू के कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन 1 बीत जाने के बाद वो साया मिताली के ऊपर फिर से आ जाता है। मिताली अपनी माँ के साथ बेड पर सोई हुई थी, तभी नीचे उतरकर मिताली पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाती है। बहुत देर तक मिताली अपने कमरे में नहीं आती है। कुछ देर बाद उसकी माँ की आँख खुलती है। जब उसकी माँ देखती है कि बेड पर मिताली नहीं है, तो वह उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। मिताली को उसकी माँ बहुत देर तक ढूंढती है, लेकिन मिताली का कहीं भी अता पता नहीं चल पाता है। इतने में ही मिताली की माँ को सरसराहट की आवाज महसूस होती है। जब किचन की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि मिताली पीठ आगे करके बैठी हुई है और उसके हाथ में मरी हुई बिल्ली है जिसे वह नोच नोच कर खा रही है। जब मिताली की माँ उसके सामने जाती है तो वह यह दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके मुंह पर बिल्ली का खून लगा हुआ था, उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था और बिल्ली का मांस उसके मुंह में लटक रहा था। मिताली की माँ यह देख करके बेहोश हो जाती है। इतने में मिताली के पिताजी जाग जाते हैं और दौड़ते हुए अपनी धर्म पत्नी के पास आते हैं और देखते हैं कि उनकी मिताली जमीन पर बेहोश पड़ी है तथा पास में ही उसकी माँ भी बेहोश पड़ी हुई है। उसके पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आनन फानन में वह दोनों को ले जाकर कमरे में लेटा देते हैं। मिताली का मुंह साफ किया जाता है और उसे ठंडी हवा में लिटाया जाता है।
इतने में उसकी माँ को होश आ जाता है और वह बताती है कि मैं जब नीचे आई थी तब मैंने देखा कि मिताली मरी हुई बिल्ली को खा रही थी और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था तथा बहुत गंदी आवाज में वह बिल्ली को खाए जा रही थी, जिसे देखकर मैं वहीं पर बेहोश गई। अगली सुबह मिताली को होश आ जाता है। अब वह थोड़ा नॉर्मल हो चुकी है और घर के काम भी कर रही है। वह पीपल का पेड़ उसके घर के थोड़ा आगे जाकर लगा हुआ था। मिताली उस पीपल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ती है और उस पीपल के पेड़ को बहुत देर तक घूरती रहती है, जैसे मानो उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। इतने में ही मिताली के पिताजी वहां पर आ जाते हैं और मिताली से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस पीपल के पेड़ को इस तरह से क्यों घूर रही हो। मिताली उनकी आवाज को नहीं सुनती है और पीपल के पेड़ की तरफ ही देखती रहती है और कुछ देर बाद मिताली वहीं पर बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके पिता उसको सहारा देते हैं और चिल्लाते हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ। उसको पकड़कर घर पर लाया जाता है और एक कमरे में लेटा दिया जाता है। अब मिताली के माँ बाप से रहा नहीं जाता है और जिस पंडित ने पीपल के साथ शादी करवाई थी उस पंडित को बुलवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर हमारी मिताली को क्या हुआ है। वह पंडित जब उनके घर आता है और मिताली की तरफ दृष्टि डालता है तो वह समझ जाता है कि मिताली के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह उसके माँ बाप को बताता है कि आपकी लड़की पर किसी आत्मा का साया आ गया है। पंडित उसकी माँ बाप से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था, तो वह सारी घटना पंडित को बता देते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी और पीपल को घूरे जा रही थी, उसने मेरी आवाज भी नहीं सुनी और वहीं पर बेहोश हो गई। अब पंडित को लगने लगता है कि जरूर हो ना हो इसके ऊपर जो आत्मा आ रही है उसका संबंध इस पीपल के पेड़ से ही है। पंडित उसके माँ बाप से कहता है कि मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हवन करना होगा और उस आत्मा को बुलाकर पूछना होगा कि आखिरकार तुम हो कौन, क्यों मिताली के पीछे पड़े हुए हो। पंडित उस पीपल के नीचे बैठ जाता है और हवन करने लग जाता है। वह बहुत देर तक हवन करता है कुछ मंत्रों का जाप करते हुए और बुरी आत्मा को बुलाता है और कुछ देर बाद आत्मा पंडित के शरीर में आ जाती है। पंडित बारी बारी से उस आत्मा से प्रश्न करता है। वह पूछता है कि तुम मिताली के शरीर में क्यों घुसे हो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारा घर तो दूसरी दुनिया में है, फिर यहाँ क्यों हम सबके पीछे पड़े हो। वह साया बताता है कि जिस दिन मिताली ने इस पेड़ से फेरे लिए थे उस दिन में इस पेड़ पर बैठा हुआ था। इस तरह से मिताली ने मेरे से शादी की है, मैं मिताली का पहला पति हूँ और इसलिए मैं मिताली के पीछे पड़ा हूँ, मैं मिताली को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पंडित कहता है कि मिताली तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी शादी किसी और के साथ हुई है, तो मिताली को छोड़ दो। वह साया अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं मिताली का पहला पति हूँ, उसने मेरे साथ फेरे लिए हैं, आता मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते हुए उस रूहानी आत्मा ने पूरी तरह से मिताली को अपने कब्जे में कर लिया था।
इसी डर से उस पंडित ने इस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश की और उससे पूछा कि तुम इस पेड़ पर कैसे आए, मुझे अपनी अतीत की पूरी कहानी बताओ। आत्मा उस पंडित से कहती है कि आज से 10 साल पहले यहाँ मेरा घर था। मैं अपने घर में चैन से रह रहा था। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, पर यह सब मेरे घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह हमेशा मेरे प्यार के बीच में अड़ंगा लगाकर मुझे उस लड़की से मिलने के लिए मना करते थे। मुझसे यह सब रहा नहीं गया और एक दिन गुस्से में आकर मैंने इस पेड़ पर फांसी लगा ली। तब से मैं इस पेड़ पर प्रेत बनकर भटकता रहता हूँ। उस रूहानी आत्मा की बातों को सुनकर पंडित को यह पता चला कि वह एक लड़की से प्यार करता था, तो इसका मतलब वह लड़की अभी भी होगी। यदि हम उस लड़की को बुलाकर कर यहाँ पर ले आए तो हो सकता है यह उसे देखकर वह मिताली को छोड़ देगा। मिताली के मम्मी पापा अब उस लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। बहुत लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि उस लड़की की तो शादी हो चुकी है और वह अपनी जिंदगी बड़े अच्छी तरीके से जी रही है। मिताली के मम्मी पापा उसके पास हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकती हो। वह लड़की उस पीपल के पेड़ के पास आती है और उस आत्मा से कहती है कि तुम मर चुके हो, इसलिए अब तुम यहाँ से मिताली को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि हमारा मिलन इस जन्म में नहीं हो पाया पर अगले जन्म में जरूर होगा। जब वह देखता है कि उसकी पहली प्रेमिका आ गई है और उससे मिताली के शरीर को छोड़ने की विनती कर रही है, तो उससे रहा नहीं जाता है और उसकी बातों को मानकर वह उस पेड़ को और मिताली को छोड़कर चला जाता है। और इस तरह से मिताली अब अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने की कोशिश करती है। इन सब से उबरने के लिए उसे अब बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आऊं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।